अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बेबी स्कर्ट सिखाऊंगी कटिंग करना। देखिए ये वेदर है ये, और ये इसका नेट, मैं नेट पे बताऊंगी। ये नेट है और ये इसके नीचे का वेदर है। तो पहले मैं आपको स्कर्ट की लेंथ बताऊंगी कि कितनी लेंथ रखना है। ये नियर अबाउट 6 इयर्स बेबीज की मैं स्कर्ट तैयार करूँगी। इसकी लेंथ देखिए 20 इंच, लेंथ की 20 इंच है और इसकी ब्रॉडनेस 19.5। ये डबल डबल लेयर में मैंने इसको पहले से बिछा दिया है आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको देखिए, ये 20 इंच पे मैंने 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच देखिए, ये 1 इंच है, ये 1 इंच मैंने निशान लगाया है। और ये मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया है। इसको मैं फोल्ड करूँगी और इसको मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी। ये और ये दोनों स्टिचिंग में कपड़ा चला जाएगा। अब ये मैंने यहाँ से 4.5 इंच लिया, यहाँ पर निशान लगाया, फिर मैंने 4.5 इंच लिया, यहाँ पर निशान लिया, फिर मैंने 4.5 इंच लिया, फिर मैंने 4.5 इंच लिया। अब इसको मैं इसी निशान से इसके लगते हुए मैं इसको ये देखिए, ये मैंने लेआउट बिछा दी है इसकी। ये डबल है, इसका 1, 2, 3 एंड 4 फोर पार्ट्स में काटने जा रही हूँ। देखिए ये मैंने बिछा दिया पहले से, मैंने फोर पार्ट करके मैं काटूँगी देखिए, ताकि मैं इसे कट करूँ आप इसे देख लें। देखिए कई पार्ट्स अगर हम एक साथ काट लेंगे तो उसमें झोल आ जाएगा, क्योंकि ये नेट है। इसलिए इस नेट को हमने जो इसकी लेंथ थी मैंने इसको 4 टाइम प्लेट कर लिया है, फोल्ड करके मैं इसको कट करने जा रही हूँ। देखिए इसको मैंने लिया है 8 इंच, नियर अबाउट 8 इंच, 8 इंच की मैं पूरी कट करूँगी। देखिए 8 इंच यहाँ पे भी है, लास्ट में भी मैंने इसको 8 इंच रखा है। आप फिर से देखें, 1, 2, 3 एंड 4 फोर पार्ट्स हैं। मैंने फोर पार्ट्स फोल्ड करके रखे हैं, टू पार्ट्स मैंने फोल्ड कर दिया, टू पार्ट्स को तो वो फोर पार्ट्स हो गए। पहले मैं इसे कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं बैक के लिए फोर पार्ट्स कट करूँगी। हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए, और जो भी मेरे वीडियो में आपको कमी दिखती है प्लीज मुझे आप उस चीज के लिए कमेंट करें, ताकि मैं आपको और अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए।
ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने लाइन की थी इस लाइन को मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन है, ये ऊपर बेल्ट की तरफ रहेगी लाइन, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हम लेयर लगाएंगे नेट की, और ये पूरी मैंने यहाँ तक स्ट्रेट लाइन कर ली है। देखिए पूरी मैंने स्ट्रेट लाइन कर ली है, ये दिख रही होगी आपको, ये देखिए, ये देखिए लाइन दिख रही होगी आपको ब्लू कलर में थोड़ा लाइट, ये ये ये। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको इन दोनों पार्ट को मैं लेके राउंड में सिलना है। मैंने इसकी स्टिचिंग 2.5 यानी नहीं, मैंने 3 उस पर रखी है, 3 नंबर पे मैंने 3 नंबर पे स्टिचिंग रखी है, ना बहुत ही छोटी होगी ना बहुत बड़ी होगी। अब इसको लाइन से, देखिए लाइन को लाइन से ही अटैच करना है मुझे। अब मुझको इसके मैं लाइन ये मुझे पूरा पट्टी सिल लेना है मुझे। देखिए ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे सीधा करूँगी, देखिए मैंने फैब्रिक सीधा कर लिया। अब ये फैब्रिक जो है और ये फैब्रिक जो है, यहाँ पे 1/2 इंच था तो ये ऊपर बेल्ट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे है, मैंने मार्जिन ज़्यादा रखा था क्योंकि यहाँ पे मुझे फोल्ड करना है नीचे, तो जहाँ पे देखिए मैंने सिला है उससे जहाँ पे ज़्यादा मार्क होगा कपड़ा उसको मैं कटिंग कर लूँगी। ऐसे करके मैं इसको ऐसे राउंड राउंड स्टिच करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर थक करके जो निशान है मुझे बस इतना ही मोड़ना है। पहले मैंने इसको थैला जैसे बना दिया, देखिए पहले मैंने इसको थैला जैसा बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सिलने के बाद सर्कल जैसा हो गया। तो इसको मैं फिर नीचे बॉटम पे इसको मैं सेट नहीं हो रही है, हाथ से भाग रही है इधर उधर। देखिए मैंने यहाँ पे इसको मैं बराबर से रखी, देखिए मैंने एक तरफ मैंने देखिए एक तरफ मैंने सिल लिया है। अब मैं ऐसे ही इसको इसका दूसरा साइड भी, दोनों साइड सिल लिया, दोनों साइड सिल चुके हैं इसके, ये भी साइड सिल लिया मैंने और ये भी साइड में सिल लिया इनके दोनों साइड सिल चुकी। इसको मैंने खोल के कप इधर उधर रख के अब यहाँ पे मैंने करीब 1/2 इंच पे यहाँ पे सिलाई करना है। ये क्यों सिलाई करना है आपको मैं बताती हूँ। इसको मैंने 1/2 इंच करीब रखा और मैंने स्टिचिंग थोड़ी इसकी बड़ी कर दी है, मैंने फुल रख दी है इसके 5 नंबर पे नेट के ऊपर, इसलिए मैं सीवन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे गैदरिंग डालना है, इसलिए मैंने इसको टाके को बड़ा कर दिया है नेट। अब इसी को मैं टाके को खींचूँगी तो इसमें गैदरिंग डल जाएगी, इसी को पूरे में स्ट्रॉन्ग राउंड सुनूंगी तो उसमें मैं फिर गैदरिंग डालने के लिए टाका खींचूँगी।
हल्के हल्के हाथों से खींचने के बाद देखिए मैं इसकी गेदरिंग तैयार करूँगी। इसकी गेदरिंग तैयार कर रही हूँ। करना है कि हमारा जो ये फैब्रिक है ना, इस फैब्रिक का जो मैंने सर्कल बनाया है थैले जैसा, इसके बराबर ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए ये मैंने इसमें गेदरिंग डाल दी है सब तरफ, मैंने इसको खींच के गेदरिंग डाल दी है। ये देखिए यहाँ पे जो ज्वाइंट था, इस ज्वाइंट को हमने इस लाइन की ज्वाइंट से मिलाना है का। इस सेंटर पे मैंने ये निशान को लगा लिया। किसके ना ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे मैंने फैब्रिक के ज्वाइंट पे मैंने नेट का ज्वाइंट को रख के इस पे भी मैंने निशान पे ही मैंने है ना, अब मैंने इसको मार्क किया दोनों बराबर हैं। अब मैं इस पे स्टिचिंग लगा के मैं इसको ऐसे फिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने इस फैब्रिक को थ्री इंच पर लिया हूँ, ऊपर पे सेट कर लूँ। अब मैं इसको फिर गेदरिंग धीरे धीरे इसको कपड़े को भी खिसकाती जाऊँगी और इसकी आप जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर। अब ऐसे ही मुझे देखिए मेरी गेदरिंग तैयार है। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे लगाना है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे अटैच करना है और ऐसे ही मुझे यहाँ पे अटैच करके फिर यहाँ पे मैंने बेल्ट को फिक्स करना है। पहले मैं ये 21 इंच है तो इसकी बेल्ट हम बनाएंगे 42। तो मैंने इसकी बेल्ट बना ली है, लगेगी वो 21 इंच है तो इसका डबल 42 इंच। तो मैंने 42 इंच की बेल्ट बना ली है। अब मुझे इसकी चौड़ाई बेल्ट की कितनी रखना है देखिए, ये है इलास्टिक है 1 इंच का इलास्टिक है, तो मुझे 1/2 मार्जिन रखते हुए फिर 1/2 इंच मुझे स्टिचिंग के लिए फैब्रिक रखना होगा, तो हो गया 2 इंच। 2 इंच का डबल 4 इंच, तो मैं 4 इंच पे अपना फैब्रिक और नेट दोनों फिक्स कर। मुझे इसको कैसे करना है एक बार फिर से आप देख लीजिए। दोनों साइडें में अटैच करके लगाऊंगी। पा रही हैं मैंने पूरा स्कर्ट को अंदर कर दिया है, बाद में कट करूंगी, पहले मैं इसको स्टिच करूंगी। देखिए अब मैं इसको जहाँ पे मैंने पिन किया था देखिए मैंने फैब्रिक और नेट अलग अलग रखा है। अब मैंने जो एक्स्ट्रा नेट रखी थी इससे मैं यहाँ से अटैच करके सिलूँगी। देखिए आप मैंने इसको करा है, तो ये देखिए ये बेल्ट के लिए मैंने इसको सिला है, तो ये इस तरीके से मेरी सिलाई हुई। देखिए मैंने पूरा राउंड राउंड सिल लिया, ठीक है। अब मेरा ये इसका तैयार हो गया है, मेरा इसका तैयार हो गया। 3 इंच मार्क करते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक इतना मार्क कर दूंगी।
मैंने हाफ इंच करीब इधर फैब्रिक को ये रखते हुए दबाते हुए जो मैंने, अरे यहाँ पे भी स्लिप कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए देखिए, जो मैंने फैब्रिक बीच में लाइन लगाई थी बस वही इसका बॉर्डर समझ लीजिए। इसका मुझे देखिए इसकी बेल्ट जो है ना, इसकी बेल्ट देखिए पक रही है। अब मुझको इसी के अंदर ना इलास्टिक जो है ना ये इंटर करना है। मैं आपको सिल के दिखा के फिर डाल के दिखाती हूँ। मैंने फोल्ड कर लिया है बेल्ट के लिए, लेकिन मैंने जो ये मार्क लगाया था 2 इंच का, इसको मैंने अभी पूरा नहीं सिला है, इसको मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं ये इलास्टिक इसके अंदर डाल सकूं। और मैं वही तरीके से डालूंगी जो मैंने पैंट में लेडीज़ आपको सिल के दिखाया था।